नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर के आने का अंदेशा बार बार जता रहे हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच कई राज्यों में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने पर एक बड़ी बात कही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डॉक्टर भार्गव से स्कूल खोलने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण होने का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी प्राइमरी स्कूल को खोला रखा था, उन्होंने बंद नहीं किया था, इसीलिए शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। डॉक्टर भार्गव ने बताया, एडल्ट्स की तुलना में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में ACE रिसेप्टर्स कम होते हैं, जहां वायरस अटैक करता है, क्योंकि बच्चों में ACE रिसेप्टर्स कम होते हैं, इसलिए उनमें इन्फेक्शन का खतरा कम देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है कि 6 से 9 उम्र के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडी देखी गई है, जो एडल्ट्स के लगभग बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के बीच यूरोप के कई देशों ने प्राइमरी स्कूल बंद ही नहीं किए थे, इसलिए हम लोगों की हिदायत ये है कि प्राइमरी स्कूल पहले खोले जा सकते हैं और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। पर जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, जैसे टीचर, बस ड्राइवर और दूसरा स्टाफ, को वैक्सीन होना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।